bismillah ar-rahman rahim dear student uh, i am professor and uh, today we will learn and we will discuss about goodbye mr. chips chapter number 7 in front of you i have um, shared my uh, computer screen in front of you from this text firstly we will read the text and after that the reading uh, pas uh, passage then we will translate into english as you know we don't need uh, about the translation we only need about the understanding of the chapter firstly we will start uh, read and so it stood a warm and vivid patch in his life casting a radiance that glowed into thousand recollections uh, इस पैराग्राफ को ऐसे पढ़ेंगे और लिहाजा इसकी ज़िंदगी का ये पुरजोश और वाज हिस्सा इसके जहन में मौजूद था और हज़ारों यादें के साथ बड़ी आबोताब से झलक रहा था ट्वाइलाइट एट मिसेस विकेट व्हेन द स्कूल बेल क्लैंग फॉर कॉल ओवर ब्रॉड डैम बैक टू हिम इन अ क्लाउड अब जो है माजी को रिकलेक्ट कर रहा है माजी को कैसे याद कर रहा है कि स्कूल में शाम की हाजिरी की घंटी बजती तो मिसेज़ विकेट के मकाम पर शाम का धंदलका धंधल का जो है वो हल्की रोशनी को कहते हैं यादों को यादों को घटा की सूरत में उसके पास ले आता जैसा कि अब हम एग्जांपल देंगे कैथरीन अलोंग द स्टोर कॉरिडोर, लाफिंग बिसाइड हिम एट सम हाउलर, इन एन एस ही वाज मॉकिंग, अब जो है एक याद ये भी है कि कैथरीन जो है पत्थर के बने हुए को कॉरिडोर में से जब भागम भाग देखती कभी मिस्टर चिप्स जो है वो किसी मजमून पर नंबर लगा रहा होता और उसके पास बैठती तलेब इलम की मोज़ा खेज़ गलतियाँ देख कर कहका लगाती अब नेक्स्ट क्या उसकी जो है एक जो है याद है आ, इन मोज़ेक ट्रायल फॉर द स्कूल कंसर्ट इन हर क्रीमी आर्म स्वीपिंग और ब्राउन शीन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और जो है स्कूल की महफिल में मोजाट धुन बजाने वाले तीन मूसीकारों में से उसे एक के तौर पर सेलो बजाते हुए वो देखता था नेक्स्ट टू हैव शी हैड बीन अ गुड प्लेयर एंड फाइन मजिशन और वो एक अच्छी साजदाना भी थी और उम्दा मूसीकार भी थी एंड कैथरीन फोर्ड एंड फॉर द डिसंबर हाउस मैच और दिसंबर में होने वाले स्कूल के मैचों में वो दस्ताने और मफलर पहन कर जाती थी स्पीच डे प्राइज़ गिविंग आफ्टर टेंडरिंग सॉरी कैथरीन एट अ गार्डन पार्टी दैट फॉलोड स्पीच डे प्राइज़ गिविंग इनामी तकरीरी मुकाबले के अगले दिन जो गार्डन पार्टी होती वो उसमें शिरकत करती थी नेक्स्ट देखते हैं कैथरीन ट्रेंड ब्रिंग हर एडवाइज इन एनी रिटर्न प्रॉब्लम दैट अरोज कैथरीन जो है अपनी नसीहत देती थी मिस्टर चिप्स को जब कभी उसको कुछ छोटा बहुत मसला आ जाता था गुड एडवाइज़ टू ये बलाशुबा जो है वो बहुत अच्छी नसीहत होती विच ही डिडेंट ऑलवेज टेक जो कि हमेशा कैथरीन वजह से वो ये नसीहत लेते नहीं थे बट ऑलवेज इन्फ्लुएंस हिम बल्कि इस पर असरअाज़ ज़रूर होती थी ये जो है पहला पैराग्राफ जो है हमने देख लिया है लेट जम्प टू नेक्स्ट वन आप जो है एक बच्चे को सजा दे रहे हैं तो वहाँ से आप देखेंगे कि चिप्स डियर आप जो है इसकी दो तीन जो है अनोटेशन हैं वो देखेंगे मोजद ट्राए जो है आस्ट्रेलिया का एक जो है मूसीकार है उसका नाम इसमें रेफ्रेंस दिया गया है और ट्रायो जो है तीन फरकार या तीन आर्टिस्ट जो कटे परफॉर्म करते हैं उसको दिया गया है अब एक बच्चा जो है उसके सजा के बारे में एक याद किया जा रहा है और उसको देखते हैं कि वो किस तरह आ, वो किस तरह उसको करता है चिप्स डियर आई वुड लेट लेट देम ऑफ इफ आई वर यू प्यारे चिप्स मैं तुम्हारी जगह होती तो उन्हें माफ़ कर देती आफ्टर ऑल इट इज़ नथिंग वेरी सीरियस बैस uh, ये कोई इतना संगीन मसला या गलती नहीं है आई नो चिप्स सागर से जवाब देता मुझे जानता हूँ आई वुड लाइक टू लेट दैम माफ़ मैं भी उनको माफ़ कर दूंगा दूँगा बट इफ़ आई डू आई एम अफ्रेड दे विल डू इट अगेन लेकिन मैंने अगर ऐसा किया तो मुझे डर है कि यही गलती वो दोबारा दोहराएंगे ट्राई ट्राई टेलिंग देम दैट फ्रेंकली एंड गेव देम द चांस उन्हें ये बात वाज तौर पर बताने की कोशिश करें और उनको जो है एक मौका दें अब जो है यहाँ से जो है ये बताया गया है आई माइट जो है आपके सामने है आई माइट मैं जो है उनको मौका देता एंड देर अदर थिंग्स और इसके साथ साथ जो है और भी जो है अदर थिंग्स ओकेजनली देट वार सीरियस और इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें थी जो कि बड़ी संगीन नोयत की थी यू नो चिप्स है अब कैथरीन बिजेस कैसे उसको अर्ज कर रही है कि प्यारे चिप्स आप जानते हैं कि इन सैकड़ों लड़कों को यहाँ कैदोबंद कोपट का मतलब क्या है कन्फाइन करना कैदोबंद में रखना रखना आ, सही नहीं है अगर आप गौर करें तो हकीकत ये एक गैर फितर इख्ताम है और वैन यू कम टू थिंक अबाउट इट और जब आप इस तरह की बात को सोचते हैं सो दैट वेन दे डज़ अकर दैट अर्थ एंड टू कि जिस चीज़ को होना नहीं चाहिए था अगर वो ऐसी चीज़ रूनमा हो जाए यू थिंक इट इज़ बिट अंडेयर टू कम डाउन ऑन ये क्या गैर मुनासिब नहीं है कि उनके ऊपर चैट दौड़ना एज़ इफ इट वॉर देयर ऑन फॉल्ट फॉर बींग हेयर जैसे ये उनका जहाँ होना जो है अपना ही गौलबा जो है ये उनका अपना ही वो क्या वो अपने आप को खुद ही यहाँ पे ले आऊँ या इनकी अपनी ही गलती हो डोंट नो अबाउट डैट आगे से जो है चिप्स जो आप देता है कि मुझे इसके बारे में जो है uh, कोई पता नहीं है uh, ये कहता है uh, कहती बट आई डू नो डैट फॉर एवरी बॉडी सेक लेकिन मैं जो है आ, लेकिन मैं ज़रूर जानता हूँ कि हर शख्स के फ़ायदे के लिए हमें इस तरह के मामला वी हैव टू बी प्रिटिस अबाउट दिस सार्ट ऑफ थिंग हमें इस तरह की चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सख्ती इख्तियार करनी पड़ेगी एक जो है फिर वो एक एग्ज़म्पलीफाई करता है यहाँ पे कि वन ब्लैक शीप कैन कैंटीमेट अदर एक गंदी मछली सारे जल को गंदा कर देती है यानी एक माजी खराब लड़का दूसरों को भी खराब कर देता है आफ्टर दे हिम सेल्फ कैथरीन इतराजन कहते हैं कि आखिर इब्तदा में इसको किसी और ने खराब किया होगा गलबन जो ऑल दैट वर प्रोबेबली डिड हैपन इट? गालबन ऐसे ही हुआ होगा क्या जो है वो नहीं हुआ होगा फिर जो है आगे से जवाब आता है आ, में uh, भी हो सकता है कि ऐसा ही हुआ हो uh, ऐसा ही हुआ हो वी कॉन्ट हैल्प इट हम हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते आई बिली ब्रुक फील्ड इज़ बैटर दैन आ लाट ऑफ अदर स्कूल मेरा यकीन है कि ब्रुक फील्ड स्कूल जो है दूसरे कई स्कूलों से अच्छा है नेक्स्ट आल द मोर रीजन टू कीप इट सो यहीं वजह कि हमें इसका ये मुकाम बरकरार जो है वो रखना है आगे से देखते हैं लेकिन चिप्स ये लड़का क्या अब उस चिप्स के बारे में बट दिस बॉय चिप्स लेकिन ये लड़का चिप्स यू आर गोइंग टू सेक हिम क्या तुम तो इसे खारिज करने लगे हो प्रोबेबली विल आई विल आई टेल हिम जब मैं हाँ मास्टर को इसके बारे में बताऊंगा तो गालबन वो इसको निकाल देगा तो आगे से वो जवाब देती कहती एंड यू आर गोइंग टू टेल द हेड और क्या तुम सब कुछ हेड मास्टर को बता दोगे इट्स आर ड्यूटी आई एम अफ्रेड मेरा ख्याल है ये मेरा फ़र्ज है और मैं इसको जो है बता दूंगा तो अब जो है ये इस तक जो है ये आई एम अफ्रेड तक हमने पढ़ा है और अब हम देखते हैं आगे कोड इन यू थिंक अबाउट अ बिट क्या तुम इसके बारे में थोड़ा सा गौर नहीं कर सकते टाप टू बॉय अगेन एक दफ़ा लड़के को फिर बताएँ फाइंड आउट हाउ इट बिगेन और ये इसकी वजह तलाश करें कि ये कैसा शुरू है आफ्टरऑल अपार्ट फ्राम दिस बिजनेस इस गलती के अलावा नाइस बॉय क्या ये एक अच्छा लड़का नहीं है ओ ही इज़ आल राइट तो आगे से मिस्टर चिप्स जवाब देता है कि ये बिल्कुल ठीक है तो डेस्ट टूडेंट हमने जो है एक पेज इसका जो है ट्रांसलेट भी किया है और डिस्कस किया है आपने देखा है कि इसके अंदर इसका खुलासा ऐसे पेश करेंगे कि मिस्टर चिप्स के फ़र्स्ट हिस्से के अंदर जो है मिस्टर चिप्स जो है मिसे विक्र के घर पर बैठे हुए मुख्तलफ़ यादों के अंदर सोचता है जैसा कि वो कैथरीन ब्रजस के बारे में उसके ड्रेस के बारे में और फिर वो उसके लाफिंग के बारे में सोचता है फिर मौसीकी के बारे में सोचता है इंस्ट्रूमेंट वो जब वो चलाती थी, थी उसके बारे में फिर कैथरीन ब्रज जो है पोस्तिन का लिबास पहने हुए मैथ देखने आती थी दस्ताने पहने हुए आते थे फिर वो एडवाइस भी देती थी उसको और वो उसके एडवाइस को कभी कन्विंस हो जाता था कभी नहीं होता था तो इस तरह के जो है एक लड़के को उसने जब पनिश करने के लिए सेक करने के लिए जो है सज़ा के लिए बुलाया हुआ है तो वो भी एक कहानी पूरी चलती है तो हमने क्या है कि इसका एक पेज हमने एनालाइज किया डिस्कस किया है और इसके जो है हम फर्दर जो है तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा हाफ उसके अंदर हम शेयर करेंगे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल असलैक्म अल्लाह हाफिज़